उसका सेल फोन जब्त कर लिया गया, कुछ ही देर में उसे ले जाया जाएगा मैजिस्ट्रेट कोर्ट पर। सलीम जी, पूरा मामला क्या है, आप जरा बताना चाहोगे? 8 नवंबर 2022 के दिन मैंने राशि सावंत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी अम्बोली पुलिस थाने पर, और तत्काल अम्बोली पुलिस ने उस शिकायत के आधार पर एक FIR दर्ज की राशि सावंत और उनके वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट के खिलाफ। राशि सावंत ने मीडिया को बुला बुला कर मेरे आपत्तिजनक दृश्य, फोटोज और वीडियोज दिखाए, और मीडिया को बुला बुला कर ये कहा कि शर्लिन चोपड़ा को अलीबाग पुलिस ने वैश्या व्यवसाय करते हुए रंगे हाथ पकड़ा, जबकि ये बात सरासर गलत है। अम्बोली पुलिस ने अलीबाग पुलिस से संपर्क बनाकर ये मालूम किया कि अलीबाग पुलिस ने आज तक इस तरह की कोई FIR दर्ज नहीं की शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम जब चाहें किसी भी इंसान के बेबुनियाद बयान दें या उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दें? बिल्कुल नहीं। आपको बता दूं कि मेरी लड़ाई यौन शोषण के खिलाफ है, मेरी लड़ाई यौन शोषण करने वालों के खिलाफ है। जब जब मैं साजिद खान, राजकुंद्रा जैसे मोलेस्टर्स, आरोपियों के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया था, तब तब राखी सावंत जैसे लोग बीच में आकर उन आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरा इन लोगों से ये निवेदन है कि वो अपने भाइयों को बचाने के बजाय अपने भाइयों के पास जाकर पूछें कि उनके भाई क्यों महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं, क्यों यौन शोषण करते हैं। ये सवाल पूछने के बजाय वो मीडिया के सामने आकर कहती है कि देखो देखो शर्लिन चोपड़ा तो मेरे भाई पर कलंक लगा रही है, लांछन लगा रही है। अरे, एक पीड़ित महिला के आरोपों की सत्यता की जांच करने का अधिकार किसे है? आम जनता को है या पुलिस प्रशासन को है? अगर आरोपी की बहन को प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो पुलिस के पास जाए, पता लगाए कि पीड़ित महिला के आरोपों में कितनी सच्चाई है। वो ये ना बोले कि अरे ये देखो ना, मेरे भाई के पीछे पड़ी है। आज क्या हुआ आपके साथ? जाओ बुलाओ अपने भाइयों को, बुलाओ, कहो अपने भाइयों को कि आपको आकर बचाए। सलीम जी, क्या के बाहर निकल गए जी? साजिद खान अभी बाहर निकले, मी टू आरोपी, कृपया आइए अम्बोली पुलिस थाने पर और देखिए आपकी बहन के साथ क्या हो रहा है, पूछताछ हो रही है किस विषय में, क्या आप नहीं जाना चाहते हैं? उसने एक पीड़ित महिला पर लांछन लगाया, एक पीड़ित महिला के वस्त्रहीन आपत्तिजनक फोटोज और वीडियो मीडिया को बुला। सलीम जी, क्या केस बना और आप क्या इससे आउटपुट चाहते? मेरे FIR में सबसे संगीन धारा जो लगी है वो है IT 67 Act, ठीक है, IT Act 67। इसके तहत कोई भी किसी के भी आपत्तिजनक फोटोज, वीडियोस किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं दर्शा सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। राखी सावंत ने मीडिया को बुला बुला कर क्या किया? देखो, शर्लिन चोपड़ा के अस्पष्ट वीडियोस, फोटोज, देखो, आप भी देखो, क्या है ये? हाँ, इज्जत की नीलामी करने की ज़रूरत क्या थी? अरे, मेरी लड़ाई उसके खिलाफ नहीं थी ना, उसके कथित भाइयों के खिलाफ थी, सलीम खान के खिलाफ थी, और है भी, लेकिन वो इस बात को समझती नहीं है। उन लोगों को, उन आरोपियों को वो भाई मानती है, हम पीड़ित महिलाओं को बहन भी नहीं मान सकती। मान कर देखो, आज वो कह रही है कि उसकी माँ को ये है, मतलब उसकी माँ कैंसर से पीड़ित है, हम भी जाएंगे उनकी माँ से मिलने, हम भी जो कुछ बनता है करेंगे उनकी माँ के लिए। उनको बहनों की मदद नहीं चाहिए, सिर्फ भाइयों की मदद चाहिए, क्यों? बोलो, चालू रहता है, पूछना चाहिए।